हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नो नूब। गाइस, आज इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फ्यूचर वेव्स के बारे में। अब ये क्या है, कैसे वर्क करती है, इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये क्या हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा या फिर ये भी कुछ फेल प्रोजेक्ट की लिस्ट में आ जाएगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखते रहो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो बेसिकली फ्यूचर वेव्स एक एंड्रॉयड की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हर डिवाइस के लिए अवेलेबल है। मतलब आपके जितने भी सारे स्मार्ट डिवाइस आप देखते हो, स्मार्ट वॉच हो या फिर स्मार्ट टीवी हो या फिर स्मार्टफोन ही हो, तो सबके अंदर जो है फ्यूचर वेव्स चलने वाली है। और इसको बनाया गूगल ने और इसको बनाया गया है कनेक्टिविटी के लिए बेसिकली। तो कैसे अभी हम बात करते हैं कि फ्यूचर वेव्स की ज़रूरत क्यों है एंड इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये किसी भी स्मार्ट डिवाइस के अंदर चलेगी तो इससे एक ही फायदा होगा कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आप अपने, मान लो कि आप अपने स्मार्टफोन के यूज़ करके अपने टीवी को कंट्रोल कर पा रहे हो, अपने स्मार्ट वॉच को कंट्रोल कर पा रहे हो और भी जितने स्मार्ट डिवाइसेज है उनके पास आप एक ही स्मार्टफोन यूज़ करके कंट्रोल कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छे से होगा एंड्रॉयड की तरह। अभी जो एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे ऐसे लैक्स दिखते हैं कनेक्टिविटी को लेके। और इसके अंदर और भी एक यूनिक फीचर है जो कि मेरा फेवरेट फीचर है। अब आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड के अंदर सब कुछ जो है डॉट एबीके फॉर्मेट में चलता है, बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर डॉट एबीके फॉर्मेट में चलता है। इस तरीके से फ्यूचर के अंदर जो है आपको डॉट फार फॉर्मेट में सब कुछ देखने को मिल जाता है। पर उसकी स्पेशलिटी यही है, ये क्या करता है कि डॉट एबीके फॉर्मेट को डॉट फार फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसका सीधे सीधा मतलब यही होता है कि फ्यूचर फोन्स के अंदर, फ्यूचर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप फ्यूचर के ऐप्स जो इंस्टॉल कर सकते हो, उसी के साथ साथ एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद और एक जो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि अगर हम स्मार्टफोन की बात करें जो कि फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिलेगा, तो आपको पता हो कि नहीं बता देता हूँ कि स्मार्टफोन जो है हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर जो है आता है कर्नल। अब जो कर्नल होता है ये अगर स्ट्रांग होता है ना तो फ़ोन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और कुछ कुछ काम करने में आसानी होती है। और फ़ोन का जो फीचर्स वगैरह मेंटेन करते हैं वो कर्नल ही मेंटेन करते हैं। तो एंड्रॉयड के हमें अंदर हमें लिनक्स का कर्नल देखने को मिल जाता है, बट उससे भी बेटर है मैजेंटा का कर्नल जो कि हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो कैसे भी हम बात करते हैं क्या फ्यूचर फ्यूचर में देखने को मिलेगा या फिर ये भी कुछ फेल प्रोजेक्ट की लिस्ट में आ जाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता अभी फ्यूचर का आना पॉसिबल है, बिकॉज अभी जो एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा ही वर्किंग कंडीशन में है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो अगर उसको साइड में करके फ्यूचर अपना मार्केट बनाना चाहेगी तो उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टफ हो जाएगा। एंड अभी फ्यूचर के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है एंड सभी ब्रांड्स जितने सारे पैसे जो है खर्च कर चुके हैं एंड गूगल ने भी जितने सारे पैसे ऑलरेडी एंड्रॉयड के ऊपर खर्चा कर चुके हैं, क्या वो फिर से इतना पैसा फ्यूचर उस पर खर्चा करेगी, जो कि ज़्यादा बड़ी पॉइंट है। एंड अभी जो उनको अगर फ्यूचर को पॉपुलर बनाना है तो कुछ ऐसा हटके चीज़ करना पड़ेगा जो कि ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है। और गाइस, अभी तो मैंने एंड्रॉयड के बारे में बात की, तो अभी सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं, मतलब फ्यूचर ओएस की तरफ से देखते हैं। अब ऐसा हुआ कि फ्यूचर के अंदर हमें इतने सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी, नॉर्मल लोग उसको ट्राई कर रहे हैं, पहले से फ्यूचर कैसे हाइप क्रिएट कर ले फिर पॉपुलरिटी कर ले कि अपनी अपने को खुद को ही ऐसा पॉपुलर बना ले कि लोग ज़्यादा उस पर ट्राई करें और अच्छी चीज़ें हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिले। तो और भी ये भी हो सकता है कि जो अभी जो हाल ही में जो है गूगल ने एक्सपेरिमेंट करा था हॉनर प्ले के अंदर एंड उसको अच्छा रिजल्ट मिला है उनको, तो देखा जाए कि अगर उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते रहे तो गूगल भी अपना पैसा जो है उस पर खर्च करने में इंटरेस्ट होगी। एंड अगर नॉर्मल लोग भी उसको यूज़ करने में इंटरेस्ट है तो ज़्यादा देख सकते हो धीरे धीरे एंड्रॉयड जो साइड जो हट में हट जाएगा साइड में और फ्यूचर धीरे धीरे सामने आएगा। तो इस तरीके से और अभी जो टेक्नोलॉजी का मार्केट चल रहा है, फिर इंटरनेट का जो मार्केट चल रहा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी जो है गायब हो जा रही है जिसके बारे में लोग बिल्कुल ही भूल जा रहे हैं, शायद एंड्रॉयड भी इस तरीके से पूरी तरह से हट जाए। बट मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता, बट जो भी होगा जो भी फ्यूचर में हमें देखने को मिले बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड ये भी देखने को मिल सकता है कि सिर्फ अगर हमें बस गूगल पिक्सल फोन्स के अंदर ही फ्यूचर का ओएस देखने को मिले, जैसे कि एप्पल के अंदर iOS देखने को मिलता है, इस तरह से फ्यूचर का जो ओएस मिलेगा वो सिर्फ गूगल पिक्सल के अंदर मिलेगा। या फिर फ्यूचर में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि दोनों कंबाइन होकर हमें अलग अलग फोन्स के अंदर मिक्स डाल के आए, एंड्रॉयड और फ्यूचर का ओएस दोनों एक साथ चलेगा,
जो भी एंड्रॉयड का तो फुशिया कोई भी कनेक्शन है, और फुशिया फ्यूचर में ज़रूर आएगी, ये नहीं कि मैं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं आएगी। एंड गूगल ने पहले भी जो है तो क्रोम ओएस को ट्राई करा था, बनाया था, पर वो इतना ज़्यादा चला नहीं, और फुशिया ने पहले ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे हाइप क्रिएट कर लिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि फुशिया जो है अपनी हाइप क्रिएट करेगी और पूरी तरीके से कि एंड्रॉयड साइड में आ जाएगी, या फिर लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से स्विच हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, एंड्रॉयड एंड्रॉयड की तरह चलेगी, फुशिया फुशिया की तरह चलेगी। तो देखो भाई फ्यूचर में क्या होगा तो मुझे बिल्कुल पता नहीं, बट मुझे लगता है अभी तो फुशिया के हालात जो है आने के लायक नहीं है, अभी तक तो लॉन्च ही नहीं करी गई है, हम पहले से ही फ्यूचर सोच रहे हैं। बट अगर फ्यूचर में आए तो फ्यूचर आ सकती है एंड अच्छी ओएस बन सकती है, और हमें भी एक नए ओएस की ज़रूरत है यार, फ्यूचर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है तो कुछ तो नया चाहिए ना, तो फ्यूचर भी ज़रूरत है। एंड मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए जो कि हमें चाहिए, अभी हमें एंड्रॉयड के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी हो फ्यूचर अच्छा है, आपकी क्या राय आप नीचे ज़रूर कमेंट करना, क्या फ्यूचर आएगा या फिर नहीं आएगा। और इस तरीके से नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जो है सीखने को मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो गाइस मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में विथ मोर एनर्जी के साथ। सो गाइस गुड बाय।